दोस्तों, मेरा नाम अनिल आर्क, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल हिस्ट्री सेंटर में। तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल इन पैसिव वॉइस। दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कुछ शब्द थे जो जिनके कारण प्रीपोजिशन बाई की जगह एट एंड विथ एंड टू का प्रयोग करते थे। तो अब ये दूसरा पार्ट है, तो देखेंगे एक क्या है इसमें, तो देखते हैं। पहले हमने ये लिखा है, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब के पहले टू लगा हो तो उनको चेंज करने का जो पैसिव वॉइस रूल होगा वह आपका नीचे लिखा हुआ है। जैसे लिखा है, पहले तो हम जो हमारा रूल होता है वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो। मैंने हेल्पिंग वर्ब इसमें इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इज एम आर हैज या हैव या वाज या और कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैंने उस हेल्पिंग वर्ब का नाम नहीं लिखा। उसके बाद आपका जो टू लगा वो लगा देना, उसके बाद आपको बी जोड़ना है। अगर वर्ब के पहले टू आ रहा है तो उसमें आपको बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब के पहले टू बी जोड़ देना है, उसके बाद पूरा रूल वही रहेगा, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। जैसे इसमें दिया है, ही इज टू हेल्प मी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मी को आई कर देंगे। अब ये देखिए सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें देखिए आपका इज लगा है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि प्रेजेंट का है, तो आई। उसके बाद आई के साथ देखेंगे लगता क्या है, तो आई के साथ लगता है हमारा, आई के साथ लगता है, अब पहले ये देखेंगे आई के साथ लगता नहीं है, आई के साथ। अब उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी आई एम, अब आई एम, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, तो आई एम। उसके बाद टू बी आपका दिया है, तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प लगा देना है, हेल्प्ड। उसके बाद बाई हिम, तो देखिए आपको ये सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट मतलब कि जो सिंपल वाले होते हैं, तो ही इज टू हेल्प हिम, तो आपको माई मी का आई कर देना, तो आई एम, टू बी आपको टू बी लगा देना, उसके बाद हेल्प्ड बाई हिम, टू के बाद आपको बी लगा देना, उसके बाद आपका जो रूल था वही कर देना, टू बी आपको जोड़ देना है, बस पूरा रूल वही रहेगा, बस टू बी कर देना। जैसे दूसरा दूसरा दिया हुआ है, आई वॉज टू हेल्प हिम, तो हिम का ऑब्जेक्ट ही इज टू बी हेल्प बाई आई का ऑब्जेक्ट में, तो ही इज टू बी हेल्प्ड बाई मी, इस तरह। आगे एक और एग्जांपल है इसका, जैसे दिया हुआ है, वी हैव टू हेल्प हिम, तो हिम का ऑब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, ही, वो यहाँ पर वाज लग जाएगा क्योंकि वो पास्ट में था, तो ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी। उसके बाद वी हैव टू हेल्प हिम, तो ही, उसके बाद एक वजह से इसमें हैज लगेगा, ही हैज टू, उसके बाद आपको बी लगा देना है, हेल्प्ड बाई, वी का ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको, अस, इस तरह। तो ये आपको टू वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि वर्ब के पहले टू आ रहा तो उसे कैसे बनाना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे ही इज टू हेल्प हेल्प मी, तो आपका ये सिंपल वाला बिल्कुल प्रेजेंट है, सिंपल वाला प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, पूरा रूल जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सभी वही लगेगा। करना ये है कि आपको कि टू बी आपको लगा देना और पूरा रूल वही रहेगा। इसमें भी टू बी, इसमें वॉज, ये पास्ट वाला था तो ये पास्ट में कर दिया, और ये हैज ऐप वाला था तो इसने हैज ऐप लगा दिया। अब आगे देखते हैं, जैसे जब एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में क्लॉज हो, क्लॉज का मतलब कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर वो इस तरह दिया हो, तो जैसे दिया दे से दैट द किंग इज कमिंग, तो इनको बनाने के लिए हम आपको बताएंगे। तो देखिए इनको बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि यदि वो सत्य बात है, दूसरा है कि वो मतलब कि सत्य ना हो। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया, दे से दैट द किंग इज कमिंग, वह वे कहते हैं कि राजा आ रहे हैं, तो ये आपका सत्य थोड़ी नहीं है,
ये आपका कहा जा रहा है, सत्य जैसे कोई चीज़ हो, कोई चीज़ कही जाए कि सत्य हो, जैसे आपका ये दिया है देश से दैट द किंग इज कमिंग, तो आपको जो ये वाला दिया होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला, तो देश से उसके दैट दैट के आगे से कोई आपका भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है देश से जो ये दिया होता है आपको इसको कर देना है, इट इज सेड, आपको इसको इतना कर देना है, इट इज सेड, दे कुछ भी लिखा हो आपको यही करना है, इट इज सेड, उसके बाद दैट द किंग। अब देखिए यदि सत्य बात है तो आपको चेंज नहीं करना, यदि सत्य बात नहीं है जैसे आप डेट इन डेट में रूल पढ़े होंगे कि प्रेजेंट वालों का पास्ट में चेंज हो जाता है, उसके बाद पास्ट वालों को पास्ट में ही आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर इज है तो इज का हो जाएगा वाच, उसके बाद कमिंग इस तरह, तो दे से की जगह लगा देना इट इज सेड, उसके बाद दैट द किंग वाच कमिंग। जैसे दूसरा सेंटेंस दिया पीपल से दैट द गुड आर ऑनर्ड, तो ये आपकी सत्य बात है, लोग कहते हैं कि ये अच्छों अच्छे लोगों का सम्मान होता है, ये इस तरह दिया है तो अच्छे सम्मान नहीं होते हैं, तो पीपल